यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, सामान्यतः लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं। पहला काम तो जब तक लक्ष्मी पूजन आप न कर लें तब तक व्रत रहना चाहिए। तो सूर्योदय से लेकर के स्नान ध्यान करके और सुबह से अपना दिन नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के आप फलाहार पे फल लेकर के व्रत रहें, और जब आप सायंकाल या रात्रि में माँ भगवती का लक्ष्मी पूजन कर लें, लक्ष्मी का पूजन कर लें, तो पूजन करने के बाद फिर अन्न ग्रहण करना चाहिए। पूजन के क्रम में वही जो हमारे यहाँ विधियाँ बताई गई हैं, राजोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार और मानसोपचार, अपनी क्षमता, अपना ऐश्वर्य और अपनी संपत्ति के अनुसार ही भगवती का पूजन करना चाहिए। अगर हमारे पास भगवती ने सब कुछ संपन्नता दी है तो हमें पूरी निष्ठा के साथ पूरे खुले मन से भगवती का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार, षोडशोपचार में हमारे यहाँ समान बताया है कि किसी को बुला करके आसन देंगे, आवाहन करते हैं, आवाहन ध्यान करने के बाद आसन, आसन के बाद अर्घ आचमनीयन जल, उसके बाद स्नान, स्नान के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद चंदन, चंदन के बाद अलंकरणार्थ अक्षत, अक्षत के बाद फूलमालिका पहनाना, फूलमालिका पहनाने के बाद फिर जो नाना परिमल द्रव्याण हैं उनसे द्रव्याणी हैं अर्थात अबीर, गुलाल, इत्र इत्यादि से उनको सजाना, सजाने के बाद जो भगवती ने दी है हमको वो मिष्ठान भोग फल उनके सामने अर्पित करके धूप दीप दिखाना, और उसके बाद से फिर भगवान भगवती को वो भोग लगाना, भोग लगाने के बाद भगवती का आरती करना, आरती करने के बाद पुनः उनका ध्यान करना कि हे भगवती आपका दिया हुआ यह सब दी हुई ये सब समृद्धि है, और पुनः आपको ही मैं इस भवभाव के अनुसार आपका पूजन कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हों और आप हमारे घर से दरिद्रता को दूर करें, आप हमेशा ही हमारे घर में वास करें, ऐसी कामना करते हुए ऐसा भगवती के प्रति अपने वाक के निवेदन निवेदित करते हुए हमें भगवती का पूजन करना चाहिए। ना भी करने वाली चीजें हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना। हाँ देखिए, सामान्यतया नख छेदन नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है आपको, दाढ़ी नहीं बनानी है, छौर कर्म वर्जित है अमावस्या के दिन, और जब तक सायंकाल दीपोत्सव हो नहीं जाए तब तक तैलाभ्यंग भी वर्जित है सामान्यतया। हालांकि सुगंधित तेल जो है उस तेल उस श्रेणी में नहीं आते हैं, सुगंधित तेल आप लगा सकते हैं, लेकिन ये तिल तेल और सरसों का तेल इत्यादि का लेपन नहीं करना चाहिए, समसरू इत्यादि नहीं डालना चाहिए। स्त्री और पति पत्नी को पूजन के पहले अपने संयोग से दूर रहना चाहिए अर्थात दोनों का शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये सब कार्य जो है मैथुन, छौर और तैलाभ्यंग ये सब कार्य वर्जित हैं, एकदम नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। कोई मंत्र भी है देवी उपासना के लिए? देखिए आम इंसान पढ़ सकता है, आम भक्त। देखिए हमारे यहाँ बताया गया ना कि कितने मंत्र, भावना प्रधान होती है, देवताओं के पूजन में भावना प्रधान होती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र हैं, आश्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्म नाम कृतिविधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभो सलज्जाम ताम ताम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम इत्यादि अनेक मंत्र हैं, एक दो नहीं लाखों मंत्र हैं जिससे भगवती की आराधना की जा सकती है। और सबसे प्रधान है आपका भाव, अपने भाव से जब आपके मन में भाव उद्गारित हो जाए और वो भाव जिस वाणी को व्यक्त करते हैं भगवती लक्ष्मी के लिए, भगवती उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर सुंदर बड़े बड़े श्लोक पढ़ेंगे तभी भगवती प्रसन्न होंगी, भावना आपकी पवित्र होनी चाहिए, पवित्र भावना से आप किसी भी शब्दों में भगवती को बुलाएंगे तो आएंगे और आपका पूजन स्वीकार करेंगे।